तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, मैं जाऊंगा अपने खेत में और मैं आपको उधर जाके अपने दिखाऊंगा खेत। तो खेत तो दिखाऊंगा, पर साथ में एक चीज़ और है जो आपको दिखाने वाली है। तो खेत के अलावा जो चीज़ आपको दिखाने वाली है, दिखाने वाला हूँ, वो है इंटरनेशनल बॉर्डर। हाँ, बिल्कुल नज़दीक, यानी कि ये इधर आप देख सकते हो, इधर वो है बॉर्डर है और उसके साथ ही हमारे खेत हैं। और गेहूं की कटिंग करवानी थी, तो मैं चलो फिर चलते हैं। तो चलो फिर उधर जाके मिलते हैं आपको। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ और मैंने तरपाल ले लिया है, बस इसी में ही जो कटिंग होगी गेहूं की, तो जो गेहूं होगा इसी में डालेंगे उधर, तो पूरा मज़ा आएगा। चलो फिर चलते हैं, फुल इंजॉय करना। तो मिलते हैं अभी आपको बॉर्डर पे। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपने खेतों में आ चुका हूँ। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि छाँव में बैठा हूँ, क्या मस्त मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलो फिर दिखाएं आपको इंटरनेशनल बॉर्डर बिल्कुल पास में खेत में। तो चलो फिर सबसे पहले तो हम चलते हैं, उठते हैं, बैठे हुए थे तो आप मेरे पीछे देख सकते हो। चलो सबसे पहले मैं आपको खेत दिखाता हूँ अपने। तो मेरे खेत देखो अपने, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मेरे खेत, ये मेरे खेत हैं। और ये हमारी इधर ये मम्मी, इधर से लेके उधर तक हमारे सभी खेत हैं। अगर आपने बॉर्डर देखना है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे ये जो लाइन देख रहे हैं और ये जो मोर्चा देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, बिल्कुल बिल्कुल पास में। तो अभी मैं आपको उनका उनका वो भी दिखाऊंगा, टावर भी दिखाऊंगा। सीधे से तो दिख नहीं रहा है, तो अभी ऊपर चढ़ इस पेड़ पे चढ़ते हैं। पेड़ पे चढ़ के ना आपको ऊपर ऊपर से आपको दिखाते हैं पाकर। भाई साहब देख सकते हैं कि मैं पेड़ पे चढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा चढ़ा हूँ, ऊपर चल के मिलते हैं आपको, फिर ऊपर से आपको दिखाते हैं। भाई साहब, आप देख सकते हो कि ये पेड़ के ऊपर से चढ़ा हूँ, इतनी ऊपर चढ़ा हूँ, तो कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है ऊपर से। और आप उसे भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बॉर्डर है। तो मैं अभी जा रहा हूँ कृपैन वाले के पास, कृपैन वाले के पास जाऊँगा, उसको बोलेंगे कटिंग के लिए, तो फिर हमारी खेत में जाएंगे। तो फिर जब जाएंगे खेत में तो मिलेंगे उधर ही आके आपको। होगा इस कल तो टाइम नहीं मिला, तो कल तो कृपैन वाले नहीं माने, तो आज आए हैं कृपैन वाले, तो आज करेंगे कटाई गेहूँ की। तो कृपैन वाले आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आते हैं जैसे ही। हालत मेरी देख सकते हैं, तो अभी मैं कटिंग करवा के बाहर से भी आया हूँ, तो अभी हालत ख़राब है, अभी नहाएंगे फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस, मैं नहा धो के फिर खेत में आ चुका हूँ, पहले कटिंग करवाई थी, अभी तोड़ों में डाल दी है, तो कनक डाल दी। अभी आएगा ट्रैक्टर वाला, आएगा वो ले उठाएगा, डालेगा ट्रैक्टर में, फिर ले जाएंगे इसको घर। तो गाइस, 1 घंटा हो चुका है, ट्रैक्टर वाला अभी तक नहीं आया है। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे खेत में एक तूत का पेड़ है, इस पे तूत पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ तूत कहोगे तूत जी देव। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि तूत पड़े हुए हैं, तो अभी हम इसे खाएंगे। तो गाइस, बड़ा मज़ा आता है, पके हुए हैं, इतने मीठे हैं ना, बहुत मज़ा आता है गाइस इन्हें इनको खाने में। और भी ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढ रहे हैं।
वैसे भी आप देख सकते हैं, वैसे भी आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर पे ऊपर के पेड़ में पड़े हुए हैं तूत। ये देखिए बहुत मीठे हैं, क्या मस्त स्वाद आ रहा है। तो वैसे कि आप खेत में जाते हो, अगर कहीं जाते हो ना, तो आपको नेचुरल फ्रूट है तो नेचुरल वेजिटेबल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे कि हमने अभी इधर धनिया भी लगाया है, थोम भी लगाया, आप देख सकते हैं इस पे देख सकते हो, ये हमने थोम लगाया हुआ है। तो अभी इसको बाद में उखाड़ेंगे, जब उखाड़ेंगे आपको दिखाएंगे। तो गाइस तब तक हम खाते हैं तूत। तो हमने अमरूद का पेड़ भी लगाया है और ये देखिए अमरूद पक्के नीचे गिर गए हैं। और ये अमरूद का पेड़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो हमने गाइस संतरे का भी लगाया है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप मौसम्मी का भी देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मौसम्मी का पेड़ है। और क्या है गाइस, तूत तो मैं खा खा के अभी थक चुका हूँ। गाइस अभी ट्रैक्टर वाला आके चला गया है, तो अभी हम भी जा रहे हैं घर, मिलते हैं आपको घर में जाके फिर। तो गाइस अभी मैं घर में आ चुका हूँ, तो अभी नहा धो के फ्रेश हुआ हूँ अभी। तो गाइस यार, आप मेरी वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपको तो पता तो होगा। चलो जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ सब्सक्राइब करते कैसे हैं। तो सब्सक्राइब जो आपको रेड कलर का लिखा हुआ दिखाई देता है ना मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर का, तो उसे बस प्रेस कर देना। अगर वो वाइट कलर का हो जाए तो समझ लो कि आपने सब्सक्राइब कर दिया। तो और उसके साथ में अगर आप सब्सक्राइब करोगे उसके सामने एक बेल का आइकन आएगा, उसको प्रेस करोगे तो ऊपर आल का आएगा, उसको भी क्लिक कर देना। तो चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। तो लाइक तो आप करते ही हो, मगर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो। बाय बाय, टाटा, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।